डीजे के मालिक से या पार्टी वाले से किसी के पास जा करके पूछ लिया, भैया आप लोगों की यात्रा कैसी रही, मैंने गुनाह कर दिया? मैंने सबसे पहला मैसेज किसको किया? जो आज वीडियो बना रहे हैं ना, जो बैठ के आज वीडियो बना रहे हैं कि ये बंदा इधर की उधर की उधर कर रहा, मैंने सबसे पहला मैसेज उसको किया था। तो कुछ तो इज्जत होगी ना आपके भाई की, तभी ये बंदा आप बुला रहा ना और अपने घर के अंदर तक ले जा रहा ना, भाई तुम चिंटू भाई का इंटरव्यू लो। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि आप जलते हो, वो जाट हुआ है इसलिए जल रहे हो, या चिंटू भाई की परिस्थिति से आप जल रहे हो। फोन ही करता रहो, चिंटू भाई मिल लो, चिंटू भाई मिल लो, चिंटू भाई मिल लो। जब चिंटू भाई नहीं मिल रहे तो नहीं मिल रहे, मैं क्या करूँ भाई, यूट्यूब चैनल्स की कमाई की नहीं खाता हूँ, समझ रहे हैं ना आप। मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो इससे कमाता हूँ ना मैं दान कर देता हूँ। से कहता हूँ कि आपके थ्रू बुलवाया जा रहा है, मेरी क्या आपसे कोई दुश्मनी है? कि देखना भैया तुम्हारे लिए ये ऐसे कह रहा, कसाना डीजे ना तुम्हारे लिए ऐसे कह रहा, हाँ अनुज गुज्जर तुम्हारे लिए ऐसे कह रहा। लोगों के मैसेज आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। राकेश भाई आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, कोई आगे बढ़ के बुलाए तो मैं जाऊँ ना, जाऊँ ना। मैंने क्वेश्चन करा कि 2024 में आप लोगों क्या प्लान, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम हमको नहीं ले जा रहे, हम किसी और को ले जा रहे, हमारी संतुष्टि नहीं हुई। सामने वाला क्या कह रहा वो आप सबको सुनाता हूँ, और जो भी बातें सबके बीच में होती ना, जो बातें सबके बीच में होती वो कभी भी इधर से उधर बातें नहीं कहलाई जाती। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, किसी की चमचागिरी मुझसे नहीं आती दूसरे लोगों की तरह, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, हम तो तुम्हारे साथ ही। पावड़ यात्रा में कितना प्यार मिला, किसी को मिला इतना प्यार? हाथों हाथ रखा आपने, मुझे गोदी में उठा उठा के रखा है। तो उन लोगों को ये जवाब है, मेरे लिए तो आप पार्टी हैं, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात तो रह गई दोस्तों, लोग बाग मुझे मुरादाबाद यात्रा पे धमकी दे रहे हैं कि आएगा तो पिटेगा, लेकिन मारना इतना कि मैं मर जाऊँ, मेरठ लौट के ना आऊँ, अपने बीबी बच्चों का मुँह ना देखूँ। तेरे लिए भर रखा ये पानी हमने, अपना पानी कहीं और पी, यार एक गिलास पानी के लिए। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, एकदम मस्त ना? दोस्तों आज एक स्पेशल बात बताता हूँ, पहले सबसे पहले कि आज की वीडियो को ना आप पूरा देखना। मैंने आज तक आप लोगों को कभी भी ये नहीं बोला होगा कि वीडियो को स्किप ना करें या वीडियो को पूरा देखें, या मैंने आज तक किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, लेकिन आज मैं आपको बोलता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है ना ये आप पूरी देखने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ दो तीन दिन से ना कुछ तूफान सा मचा हुआ है, कुछ तूफान सा मचा हुआ, और आज सुबह तो हद ही हो गई है, क्योंकि ब्लेम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, मुझ पर लगाए जा रहे हैं, और सामने वाला लगाने वाले भी कौन है ये आप लोगों को खुद फैसला करना, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता सबको लग जाता है कौन किसके बारे में कौन बोल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करता हूँ मैं, फालतू बात इधर उधर की ना करके मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बस चाहता यही हूँ कि वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि अगर आपने आधी या थोड़ी बहुत देखी तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फैसला आपने करना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरी देखना। दोस्तों बात शुरू करते हैं हम लोग कावड़ यात्रा 2023 को लेकर के। कावड़ यात्रा 2023 पे जब हम लोग नहीं गए थे ना, जब स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैंने स्टार्टिंग से इंटरव्यू डालने शुरू करे थे। उसमें मैंने कसाना का इंटरव्यू भी डाला था, उसमें मैंने आपका जो शर्मा की पार्टी है या अमर की पार्टी है या अमर का इंटरव्यू है, मैंने सब लोगों का जिसका मैं इंटरव्यू ले सकता था, जहां जहां लोगों ने मुझको बुलाया, जिन लोगों से मैंने फ़ोन पे या मैसेज से बात करी और उन लोगों ने मुझे टाइम दिया, मैंने उन लोगों का इंटरव्यू डाला, और आपने सब इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, और आपने बोला कि भैया उसके पास भी जाओ, इसके पास भी जाओ, और मैं गया भी हूँ उन लोगों का इंटरव्यू लेने। तब तो किसी ने नहीं बोला गलत, तब तो किसी ने नहीं बोला ना, सब ने ये बोला कि राकेश भैया बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो, और आपसे उम्मीद है कि आप ही ये काम कर सकते हो, ठीक है ना। कावड़ यात्रा हो गई, छुटपुट घटनाएं भी घटी, आप लोगों को पता है, उसकी वीडियो भी आ चुकी है, सब ने देखी है। अब कावड़ यात्रा ख़त्म हो जाती है, तो मेरा फ़र्ज नहीं बनता कि मैं अपडेट दूँ आप लोगों को भाई कावड़ यात्रा का क्या एक्सपीरियंस रहा, बनता है या नहीं बनता। मैं आप लोगों को एक सेकंड का, दो सेकंड का समय देता हूँ, बनता है या नहीं बनता। तो मैंने क्या गलत कर दिया भाई, अगर मैंने किसी के कावड़ यात्रा समाप्त होने के बाद अगर मैं डीजे के मालिक से या पार्टी वाले से किसी के पास जा करके पूछ लिया भैया आप लोगों की यात्रा कैसी रही, मैंने गुनाह कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया क्या? और ये जो मैं गया भी हूँ जिन लोगों के पास, वो आप लोगों की वजह से। आप वीडियो को उठा उठा के देखो सारी, और उनके ऊपर कमेंट पढ़ के देखो कि आप लोगों के कमेंट कितने हैं, राकेश भैया कसाना के पास जाओ, उमेश भाई के पास जाओ, उमेश भाई के पास जाओ, उमेश भाई के, राकेश भैया अमर के पास जाओ, अमर के पास जाओ, अमर के पास जाओ, राकेश भैया अनुज गुज्जर के पास जाओ, धड़कन डीजे वालों के पास जाओ। मोस्टली तीन ही हैं मेरी लिस्ट में नाम जिनके सबसे ज़्यादा मैसेज हैं मेरे पास। मैंने सबसे पहला मैसेज किसको किया? जो आज वीडियो बना रहे हैं ना, जो बैठ के आज वीडियो बना रहे हैं कि ये बंदा इधर की उधर उधर की उधर कर रहा, मैंने सबसे पहला मैसेज उसको किया था कि भाई नाम बता देता हूँ, अमर डीजे, सच्चा हूँ इसलिए नाम बताने मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दिल में जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ से ही चलता है वो सब, सोच के नहीं बोलता हूँ कि चाल चलूँ या इधर उधर, जो बात सच्चाई। मैंने सबसे पहले अमर डीजे को फ़ोन मैसेज किए थे कि अमर भाई थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं, मिल लेते हैं, कावड़ यात्रा की बात कर लेते हैं। मैंने 15 अगस्त वाले दिन में उनको फ़ोन करा कि अमर भाई आपका कहीं प्रोग्राम है,
कोई मतलब नहीं। और ये है क्या, अमर भाई ने मुझसे कुछ दिनों पहले एक वीडियो मांगी थी मेरी कि राकेश भाई इस वीडियो को भेज दो। उस दिन मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, मैं वहाँ था। मैंने उनको बोला अमर भाई मैं बाहर हूँ, घर जा कर के भेज दूँगा, ठीक है। अब चाचा जी एक्सपायर हो गए, उसमें लगा रहा 3-4 दिन, भूल गया। मैं 15 तारीख को उनको मैसेज करता हूँ, 14 तारीख या 15 तारीख को, कि क्या आपका 15 तारीख को कोई कहीं कोई प्रोग्राम है तो मैं कवर करने आ जाता हूँ। तो उधर से आता कि आपसे एक वीडियो मांगी थी, आपने वो भेजी नहीं। अरे मैंने कहा अमर भाई मैं भूल गया था, तब मैं बाहर था, मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है। तो उनका एक मैसेज आता है एकदम से कि क्या तब से अभी तक बाहर ही हो। मैंने कहा नहीं मैं भेज रहा हूँ। मैंने वो डाउनलोड ली यूट्यूब से, क्योंकि क्या होता, देखिए कोई भी यूट्यूबर होगा इतना डेटा नहीं रख सकता। मैं रोज़ वीडियो बनाता तो इतना डेटा सेव कहाँ रखूँगा। मेरी वीडियो यूट्यूब पर डल गई, मैंने डिलीट मार दी, बात खत्म हो गई। मैंने वो यूट्यूब से डाउनलोड ली, वो वीडियो मेरी करीब 4 GB की है, 4 GB की वीडियो है। उसको मैं व्हाट्सएप पे कैसे भेजूं, बताइए आप। मैं एट प्रेजेंट जिस टाइम ये बात हो रही थी उस टाइम भी मैं घर पर नहीं था, तो 4 GB के मैं मोबाइल से कैसे भेज सकता हूँ, उसके लिए वाईफाई ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा चिंटू भाई से, मैंने कहा चिंटू भाई मैं मोबाइल से नहीं भेज पाऊँगा इसको, 4 GB की वीडियो है, आप एक काम करो मेरे यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, छोटी आप कम करके कम GB में वहाँ से डाउनलोड कर लेना, हो जाती है। उसके बाद कोई मैसेज नहीं, उसके बाद मैं रेगुलर मैसेज कर रहा हूँ, पहले भी मैसेज करे मैंने कि चिंटू भाई थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं, एक इंटरव्यू ले लेते हैं कावड़ का, जो भी है 2023 की जो आपकी यात्रा रही उसके पर्पज़ से। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं रेगुलर कल तक भी मैंने मैसेज डाले कि एक मीटिंग रख लेते हैं, एक मीटिंग रख लेते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर लगा है और मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे चीज़ों, क्योंकि मैं सच्चाई का साथ देता हूँ और आगे भी सच्चाई का ही साथ दूंगा। बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। वहाँ से कुछ नहीं आता। मैं उमेश भाई को भी मैसेज कर रहा था, उमेश भाई ने मुझसे कहा कि राकेश भाई तबीयत खराब चल रही है बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग ही बताता हूँ कावड़ यात्रा खत्म होने के बाद से ही, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं आपको फ़ोन करूँगा या मैसेज करूँगा, आप आ जाना, ठीक है। उमेश भाई की तबीयत सही हो गई, उन लोगों ने, उमेश भाई ने मुझे अपने घर बुला लिया। सबसे बड़ी बात तो मैं उमेश भाई की ये बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि उन्होंने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, पहला इंटरव्यू मुझे दिया था और दूसरा इंटरव्यू भी मुझे दिया और पर्सनली अपने घर पे बुलाया, कहीं इधर उधर नहीं बैठाया कि घर के बाहर आंगन में बैठा दिया, सड़क पे बैठा दिया जैसे बहुत लोगों ने करते हैं। हाँ, स्पेशली मुझे अपने घर के बेडरूम में लेकर, ड्राइंग रूम में लेकर वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दिया। तो उमेश भाई का मैं दिल बहुत बड़ा मानता हूँ, तो कुछ तो इज्जत होगी ना आपके भाई की, तभी ये बंदा बुला रहा ना और अपने घर के अंदर तक ले जा रहा ना, कुछ तो होगी ना। तो ये मैं उमेश भाई का बहुत बड़ा बड़प्पन मानता हूँ। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा कि मैं उमेश भाई को बहुत ऊपर बैठा दूँ, नहीं, जो सच्चाई है सच्चाई ही बोलूँगा, इसके अलावा इधर और उधर की एक भी बात नहीं करूँगा, ठीक है। उमेश भाई ने अपना इंटरव्यू दिया, उनके दिल में जो बात थी उन्होंने वो बताई, मैंने कोई लिख के या उन्हें समझा के तो नहीं बोला कि आपको उसके खिलाफ ये बोलना है, आपको उसके खिलाफ ये बोलना है। मेरा काम था क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन भी मेरे देखो आप कि उन्होंने बीच बीच में अपने आप ही कुछ अलग सी चीज़ें बताई हैं सब लोगों ने, जिस जिसके भी इंटरव्यू मैंने लिए हैं, ठीक। तो इंटरव्यू लेने का काम मेरा है, कावड़ से संबंधित बात पूछने का काम मेरा है, वो क्या जवाब देते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। तो उमेश भाई ने अपना इंटरव्यू दे दिया। अब लोग भाई ये कहते हैं कि आप इधर की उधर कर रहे हो। जब उमेश भाई की वीडियो मैंने अपलोड करी, ठीक, उमेश भाई की वीडियो जब मैंने अपलोड करी तो वो सिर्फ क्या मेरे पास ही थी, यूट्यूब पे कहीं के लिए जाती है, आप लोगों के लिए देखने के लिए जाती है ना, जो ये बोल रहे हैं कि ये आदमी इधर की उधर कर रहा, उधर की इधर कर रहा, यहाँ की वीडियो बना के उसे बता रहा, उसकी वीडियो बना के उसे बता रहा। अरे भैया मैंने तो वीडियो अपलोड कर दी तो सबके सामने पहुँच गई वीडियो, आपके सामने पहुँच गई, उसके सामने पहुँच गई, इसके सामने पहुँच गई, हज़ारों लाखों लोगों के सामने पहुँच गई, तो मैं थोड़ी भेज रहा हूँ, वो तो पहुँच ही गई, ठीक है। उसके बाद मैं फिर अमर डीजे चिंटू भाई को मैसेज करता हूँ, चिंटू भाई मिल लेते हैं, मिल लेते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं। जो आप लोग बार बार हज़ारों मैसेज हैं मेरे पास कि चिंटू भाई का इंटरव्यू लो, राकेश भाई तुम चिंटू भाई का इंटरव्यू लो, कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि आप जलते हो, वो जाट है इसलिए जल रहे हो, या चिंटू भाई की प्रसिद्धि से आप जल रहे हो इसलिए राकेश तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, इसलिए राकेश तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, ऐसे ऐसे कमेंट भी मेरे पास हैं। मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं इसको एडिट करूं तो स्क्रीनशॉट भी डाल दूं। फिलहाल अभी की बात करता हूं, तो ऐसे मैसेज है, तो मैं उन लोगों को जवाब देते देते भी हर मैसेज, भाई हजारों मैसेज है, मैं कितनी बार एक ही चीज़ लिखूं कि भाई ऐसा नहीं है, मैं चिंटू भाई को मैसेज कर रहा हूं, मैं बार बार मैसेज कर रहा हूं, वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरी क्या गलती भाई, अब मैं क्या पीछे पीछे भगूँ, फ़ोन ही करता रहा हूं, चिंटू भाई मिल लो, चिंटू भाई मिल लो, चिंटू भाई मिल लो, जब चिंटू भाई नहीं मिल रहे तो नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं भाई। मेरा काम है कि मैं सामने वाले को फ़ोन करूं या मैसेज करूं, भैया एक इंटरव्यू लेना, आप मिलना चाहेंगे क्या, वो हाँ कर देता मैं चला जाता, वो ना कर देता मैं नहीं जाता। किसी से ज़बरदस्ती थोड़ी है कि मैं ज़बरदस्ती जाकर उसके गले पर टक जाऊँ, उसके बैल बजाऊँ कि नहीं भाई इंटरव्यू दे, इंटरव्यू दे, इंटरव्यू दे, ये मेरे बस की तो नहीं है ना। चापलूसी बिल्कुल नहीं करने का, कोई सा भी डीजो चापलूसी नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। और हर वीडियो में बताता हूँ
कि मैं YouTube चैनल चलाता हूँ एज ए एक सिर्फ शौक याना, मैं YouTube चैनल्स की कमाई की नहीं खाता हूँ, समझ रहे हैं ना आप। मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो इससे कमाता हूँ ना मैं दान कर देता हूँ। जितनी अर्निंग मेरी इससे होती है ना इस YouTube चैनल से, मैं उसको दान कर देता हूँ। मेरा अपना भगवान की दुआ से दूसरा बिजनेस है, मैं उसको करता हूँ और उसमें सेटिस्फाई हूँ। ये मैं सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से चलाता हूँ, और आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया है। आप लोग बोलते हैं कि राकेश भाई वहाँ जाओ, राकेश भाई वहाँ जाओ, राकेश भाई ये चीज़ दिखाओ, राकेश भाई वो चीज़ दिखाओ, तो मुझे लगता है कि आप मेरी फैमिली हो, तो मैं आपके कहने से चलता हूँ। बताने वाली बात नहीं है ना, मैं बड़प्पन वाली बात करता हूँ। ये बात चली तो मैंने बता दी कि जो मैं इससे कमाता हूँ ना, मैं उस चीज़ को दान कर देता हूँ दोस्तों। तो इस भुलावे में तो मत रहना कि YouTube चैनल मैं इसलिए चलाता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर इसलिए बढ़ा रहा हूँ, कि बात इधर की उधर करके झूठी सी चीज, झूठ नहीं बोलना आता, ना बोलूँगा ना बोलने का, ठीक है ना। बात को आगे बढ़ाते, पहले वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है, ठीक। उसके बाद मेरे पास, मैंने मैसेज किया हुआ था अनुज भाई को भी, धड़कन वालों को, उनका फ़ोन आता कि राकेश भाई आप 18 तारीख को आ जाओ, आप 18 तारीख को आ जाओ, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं और उसके बाद हम 10 दिन आपको यहाँ मिलेंगे नहीं, और आप 18 तारीख को आ जाओ, ठीक है। तो मैं 18 तारीख की शाम को वहाँ से निकलता हूँ। ज़बरदस्त बारिश आई थी उस दिन मेरठ में, ज़बरदस्त, जिसे कहना चाहिए ना, इतना इतना पानी था वहाँ जिधर से मैं जा रहा था। एक अंडरपास के नीचे मैं रुका हुआ था बहुत देर तक, गेट दो, मैं 5 बजे निकला था, मैं 8:30 बजे करीब, 8:15 बजे करीब, जो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता, इतना कवर करने मुझे 3-3.5 घंटे लग गए थे बारिश की वजह से, ठीक है। वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू लिया, वहाँ जो बातें बोली वो अनुज भाई ने बोली, उनके दिल में क्या है, किसके प्रति क्या है, उन्होंने अपनी बातें बताई, उसमें मेरा क्या दोष है भाई। मैंने इंटरव्यू तो लिया, वो वीडियो मैंने बनाई, अपलोड कर दी, फिर मैंने इधर की उधर क्या कर दी भाई इसमें, फिर मैंने इधर की उधर क्या कर दी, जो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं और बुलवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है। मैं स्पेशली आपसे कहता हूँ कि आपके थ्रू बुलवाया जा रहा है, मेरी क्या आपसे कोई दुश्मनी है, हुँ? अरे भैया आप अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आपकी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं। 2 साल पहले मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, बताओ, सोचो एक मिनट के लिए, क्या मेरा आपके द्वारा काम नहीं चलने का, या आपका काम मेरे बिना नहीं चलने का, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और भगवान करे आगे भी दिन रात तरक्की करके चलता रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को तो कहना बेकार है कि ये बंदा इधर की उधर कर रहा है या उधर की इधर कर रहा है। वो वीडियो अपलोड कर दी, वो वीडियो भी सबने देख ली भाई। इधर की उधर करना किसे कहते हैं, इधर की उधर करना उसको कहते हैं कि मैंने यहाँ से वीडियो बनाई और ले जाके दूसरी पार्टी को दिखा के, देखना भैया तुम्हारे लिए ये ऐसे कह रहा, कसाना डीजे ना तुम्हारे लिए ऐसे कह रहा, हाँ अनुज गुज्जर तुम्हारे लिए ऐसे कह रहा, इसको कहते हैं इधर से उधर करना। अरे मैंने तो बनाई, जो उन चीज़ों बनाई मैंने अपलोड कर दी यूट्यूब पर, सब देख रहे हैं, वो यूट्यूब पर सारी बेटे देख रहे हैं, तो मुझको बुला भी रहे हैं कि भैया सामने वाले ने अपनी बात बता दी, अब हम भी अपनी बात बता दें, इसमें लड़ाई क्या रह गई, लड़ाई क्या रह गई इसमें, तुमने, उन्होंने अपनी बात बताई, उन्होंने अपनी बात बताई, तुम अपनी बात बता दो, प्यार से बता दो, धमकी क्यों देते हो एक दूसरे को। हाँ हर वीडियो में यही बोला गया है कि भाईचारा बना के रखें, बिरादरीवाद जो ये जातिवाद चल रहा है इसको ना माने, भक्ति के गाने बजाएं, बिरादरी के गाने ना बजाएं, हर वीडियो में यही बोला गया, और यही एक अच्छी सच्चाई है कि यही होना चाहिए। तो इसमें आग कहाँ लगा दी भाई, जो ये 2-4 जने, सिर्फ 2-4 जने, हजारों मैसेज पड़े हैं मेरे पे, उसमें सिर्फ 2-4 जने, और उसमें से लाखों हैं। दिखाऊंगा मैं अपनी चैट, अपने इंस्टाग्राम की चैट बॉक्स दिखाऊंगा, जिसपे लोगों के मैसेज आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं राकेश भाई, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और वैसे भी मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पर भी पड़े हैं, वो भी देख लेना आप लोग, ठीक है। अनुज का भी इंटरव्यू हो गया, धड़कन डीजे वालों का। उसके बाद रवि भाई का फ़ोन आता है कि राकेश भाई आपसे मिलना है, राकेश भाई आपसे मिलना है, राकेश भाई आपसे मिलना है। मेरा तो काम ही है, मेरा तो काम ही वीडियो बनाना, मेरा तो काम ही इंटरव्यू लेने का, और कोई आगे बढ़ के बुलाए तो मैं जाऊँ ना, जाऊँ ना। मैं रवि भाई से मिलने गया, रवि भाई ने अपना पूरा इंटरव्यू दिया भाई, उन्होंने किसको ड्रॉप करना है, किस डीजे को ले जाना है, किसको नहीं ले जाना, ये उनका डिसीजन है, मेरा डिसीजन थोड़ी है। मैं ना कमेटी में हूँ, मैं कमेटी में नहीं हूँ, मैं डीजे बुक करने वाला नहीं हूँ, मैं डीजे ओनर नहीं हूँ कि मुझे बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम लोग, अमर को ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने, हमने किसी और को कर लिया, तो ये उनका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। उस पर भी ये लोग किलस रहे हैं, ये लोग अमर से किलस रहे हैं। अरे भाई साहब ये पार्टी और डीजे वालों के बीच का मामला है। उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमने आगे के लिए, मैंने क्वेश्चन करा कि 2024 में आप लोगों क्या प्लान, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम अमर को नहीं ले जा रहे, हम किसी और को ले जा रहे, हमारी संतुष्टि नहीं हुई। तो ये इसमें मेरी क्या फॉल्ट है भाई, मैं आप लोगों से पूछता हूँ इसमें मेरा क्या फॉल्ट है, बताना जरूर कि मेरा क्या फॉल्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बताना जरूर मेरा क्या फॉल्ट है।
और मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा काम वीडियो बनाना, इधर से उधर करना नहीं। इधर से उधर करना मैंने बोल चुका हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ से रिकॉर्ड करूँ और उन सामने वाले को पीछे से बता दूँ वो ऐसे कह रहा था तेरे बारे में, वो ऐसे कह रहा था तेरे बारे में। उसको कहते हैं इधर से उधर करना। मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो अपलोड कर देता हूँ, सामने वाला क्या कह रहा वो आप सबको सुनाता हूँ। और जो भी बातें सबके बीच में होती ना, जो बातें सबके बीच में होती वो कभी भी इधर से उधर बातें नहीं कहलाई जाती। तो अपने गिरेबान में आप थोड़ा सा झांके, जो ये लोग कह रहे हैं कि राकेश आग लगा रहा और माहौल ख़राब कर रहा, इधर से उधर लोगों को भिड़वा रहा है। आपने कह दिया, ठीक है आपने कह दिया। मैं चाहता तो मैंने क्या कर देता भाई, मैं चाहता तो वो कमेंट डिलीट मार देता। मेरे पास ऑप्शन है ना, मेरे पास पावर है ना मेरे अपने चैनल की। आपने चैनल लिखा मुझे पसंद नहीं आया, मैं डिलीट मार दूँ। बोलिए आपने गंदा कमेंट लिखा, आपने मेरी बुराई लिखी, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे डिलीट मार सकता हूँ। आपने मेरी बढ़ाई लिखी तो उसमें मैं रख सकता हूँ भाई, वाह वाह वाह। लेकिन नहीं, मैंने सारे के सारे कमेंट एज इट इज रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, किसी की चमचागिरी मुझसे नहीं आती दूसरे लोगों की तरह। हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, हम तो तुम्हारे साथ ही रहो भैया, तुम्हारे साथ मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो अच्छा मानता हूँ, भगवान कसम बाय गॉड, कोई किसी की यूनिटी बनती है, कोई किसी के साथ रहता, अच्छी बात है, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन दूसरे को नीचा दिखा के आप ये बोलोगे, उसका मुझे गुस्सा भी है, वो नहीं करो, वार्निंग दे रहा हूँ, वो नहीं करो। आप किसी के साथ यूनिटी बनाओ, किसी के साथ पावर बनाओ, किसी के साथ रहो, किसी के साथ जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पे टाइम होगा मैं वीडियो बनाने जाऊँगा, मेरे पे टाइम नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पे अपने बिजनेस दूसरे भी हैं। मैंने बहुत 1000 बार बोल चुका हूँ मैं इसे आप लोगों के प्यार की वजह से चलाता हूँ। तो इधर रवि भाई ने इंटरव्यू दे दिया, उसमें मेरी क्या गलती थी? जो बोला रवि ने बोला। आग क्यों लग रही है मुझे, क्यों मुझे क्यों लपेटा जा रहा है? जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, हाँ वीडियो बनाने से याद आया, सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने कावड़ में किसकी डाली है? आप पुराने कमेंट उठा के देखो, आप पुराने कमेंट उठा के देखो कि मुझसे क्या क्या बोला गया। वहाँ पर भी मुझ पर ब्लेम लगाया गया, यहाँ पर भी मुझ पर ब्लेम लगाया जा रहा, तो वहाँ पर भी मुझ पर ब्लेम लगाया जा रहा। ये जो कहते हैं ना, एक कम्युनिटी चल रही है, एक लोगों का ग्रुप चल रहा है कि किसी के बढ़ते हुए कदम को 1000 लोग पैर पकड़े खींचने की कोशिश करते हैं। तो मेरी प्रसिद्धि, ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप भाइयों का साथ, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुनिंदा हैं जो उंगली पर गिन सकते हैं, वो लोग हैं जिनसे मेरी पब्लिसिटी या मेरी प्रसिद्धि, मेरे चैनल का नाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप लोगों ने देखा कि मेरे चैनल का या राकेश भाई का प्यार कितना मिला, कावड़ यात्रा में कितना प्यार मिला, किसी को मिला इतना प्यार? हाथों हाथ रखा आपने, मुझे गोदी में उठा उठा के रखा है। तो उन लोगों को ये जवाब है कि आप तो चुनिंदा हो। वीडियो उठा उठा के देखोगे प्यार कितना मिला मुझे उन लोगों से, ऐसे ही ना कमाया मैंने। डीजे की वीडियो अब चलिए, कितने सब्सक्राइबर दे दी मुझे, 10,000, 20,000, 30,000, 2,05,000 सब्सक्राइबर हैं मेरे। उनमें से 30,000 निकाल दो, 170, 175 फिर भी बचते हैं मेरे, वो कहाँ से आए? तो इस भूले बाप में मत रहो कि मुझे डीजे ने प्रसिद्धि दिलाई है। डीजे दिलाने वाला कोई नहीं, प्रसिद्धि दिलाने वाला ऊपर है, जिस भोले बाबा के नाम पे मैं सुबह हाथ जोड़ के निकलता ना वो है। तो इस भूले में तो रहना मत कोई किसी को कि मैंने तुझे बना दिया या तूने मुझे बना दिया। ना मैं किसी को बनाने वाला हूँ, ना मुझे कोई बनाने वाला, सबको बनाने वाला ऊपर वाला है। तो मैं बता रहा था कि कावड़ यात्रा के टाइम में मैंने सबसे ज़्यादा किसकी वीडियो बनाई, सबसे ज़्यादा वीडियो भी आज उसी की बनाई है जो बंदा बोल रहा है। और उनकी बनाते बनाते इतनी बना दी थी वीडियो कि दूसरे डीजे वाले, दूसरे डीजे को पसंद करने वाले सब्सक्राइबर जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो कहने लगे थे कि राकेश भाई तुम तो चमचागिरी कर रहे हो अमर की, तुम तो चमचागिरी कर रहे हो अमर डीजे की, अमर डीजे को दिखा रहे हो, अमर डीजे को क्या, अमर डीजे ने तुम्हें खरीद लिया है क्या, पैसे दिए हैं जो तुम उन्हें उन्हें दिखा रहे, कोई और डीजे तुम्हें दिख नहीं रहा पूरी कावड़ यात्रा में? यहाँ तक भी मैंने सुना है। और वो ही लोग आज मेरे खिलाफ खड़े होते हैं। क्यों जी, क्या गुनाह कर दिया मैंने आप लोगों का? तो अमर भाई, चिंटू भाई, मैं आपको भी बता रहा हूँ और जो यूट्यूबर बनने फिरते हैं ना, मैं उनको भी बता रहा हूँ कि मेरे दिल में किसी के प्रति भी रत्ती भर भी कसम वगैरह मैं खाना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी बताऊँ, मेरे 2 औलाद है, मैं दोनों औलाद की कसम खा के कहता हूँ, मेरे दिल में ना इधर की उधर और ना उधर की उधर करने की। मेरे लिए आप भी उतना ही बढ़िया हो, मेरे लिए कसाना भी उतना ही बढ़िया, मेरे लिए अनुज भी उतना बढ़िया, मेरे लिए मोनू भी उतना ही बढ़िया, और मेरे लिए जो मुरादाबाद से शर्मा आया था ना, मेरे लिए वो शर्मा भी उतना ही है। किसी में भी 19 और 20 का अंतर मैं नहीं रखता। मेरे लिए तो आप पार्टी हैं, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। संबंध अपनी जगह है, आप संबंध अच्छे बनाएंगे मेरा आपकी तरफ को हाथ बढ़ा हुआ, आप नहीं बनाएंगे तो भैया मैं खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपकी बुराई नहीं करूँगा। समझ रहे ना कि मैं दूसरे के जाके नुकाऊँ कि नहीं, कसाना ने तो ये कह दिया, चिंटू ने ये कह दिया, अनुज ने ये कह दिया, रवि ने ये कह दिया। ना भाई ना, जो है ऑन कैमरा है, कैमरे के पीछे कुछ नहीं है, जो है ऑन कैमरा है। इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि जो भी कुछ है ऑन कैमरा है, और जो ऑन कैमरा होता वो कानाफूसी नहीं होती।
तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि भाई साहब जो लोग मेरे को बार 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 हजारों कमेंट है कि अमर डीजे का आप इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे, राकेश भाई अमर डीजे का इंटरव्यू क्यों नहीं ले, तो भाई साहब सबसे पहला इंटरव्यू अमर डीजे का ही डालना चाहता था मैं, क्योंकि उनकी वीडियो मैंने बनाई थी और मेरी एक बाउंडिंग अच्छी बनी हुई थी उन लोगों के साथ। मुझे नहीं पता उनके इंटेंशन क्या, किसने कान भरे या क्या करें या क्या नहीं करता, मुझे नहीं पता वो मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे या उन्हें मेरी वीडियो ना देना बुरा लगाओ। भाई साहब वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ी, मैं कौन हूँ रोकने वाला। मैंने तो सिर्फ इसलिए बोला था कि 4 GB वीडियो व्हाट्सअप से नहीं भेज सकता था मैं, 2.5 GB मुझको मिलती हैं, मैं रिचार्ज जितना कराता हूँ मोबाइल का, क्योंकि वाईफाई लगा हुआ मेरी शॉप पे भी लगा हुआ, मेरे घर पे भी लगा हुआ। लेकिन अगर मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ से मैं उनसे बात कर रहा था कि भैया अभी डाउनलोड करके देता हूँ, तो वो 4 GB की वीडियो थी, मैं नहीं भेज सकता था। ठीक है, ये है सच्चाई अब तक की। बाकी आप लोगों को फैसला करना, मैं ऑनलाइन भी आऊँगा, मैं लाइव वीडियो दूंगा और आप लोगों के कमेंट से डायरेक्ट बात करूंगा। आज मैंने अभी फैन भी बंद किया हुआ क्योंकि साएं साएं की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैं जहाँ बैठा हूँ ना, क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एट प्रेजेंट मैं अपने घर बैठा हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मुझे जहाँ भी जगह मिलती है मैं वहीं बैठ जाता हूँ। ठीक है ना, तो पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रहा है, तो इसलिए मैंने पंखा भी बंद कर दिया, तो देख सकते हैं आप पसीने में तरबतर भी हो गया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को जवाब भी मिल गए होंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो रह गई दोस्तों, लोग बाग मुझे मुरादाबाद यात्रा पे धमकी दे रहे हैं कि आएगा तो पिटेगा। लोग बाग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मुरादाबाद यात्रा पे आएगा तो पिटेगा, तो भाई साहब जरूर मारना। अगर आपके दिल में मेरे प्रति इतनी नफरत भर गई है तो जरूर मारना, कसम है तुम्हें मारना, लेकिन मारना इतना कि मैं मर जाऊं, मेरे लौट के ना आऊं, अपने बीबी बच्चों का मुंह ना देखूं। ठीक है ना, मारना जरूर, फिर कह रहा हूं अगर आप में इतनी पावर है ना तो मारना जरूर, छोड़ना मत जिंदा, क्योंकि जिंदा छोड़ोगे तो फिर पता नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मारना जरूर, और मारना तो फिर जान से ही मारना, ये नाट करना कि तो चार चांटे मार दिए, चार गूंटे मार दिया या मुंह पे तकिया फेंक दिया। लोग बाग ये कह रहा ना कि ये तो तकिया भी पीटा था, ये तो हवरद्वार कावड़ यात्रा है, तो भाई साहब पीटा नहीं था, उस बंदे से मिलवा दूँ, कहो तो उस बंदे से मिलवा दूँ जिसने तकिया फेंका, माफ़ी मांगी है उसने भी मांगी है, उसके साथ वाले जो कमेटी मेंबर थे उन लोगों ने भी मांगी कि राकेश भाई ये गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, ये शरारत थी कि तकिया बाहर फेंकना था, गीला तकिया था, ये शरारत हो गई, तुम्हारे नहीं मारना था। उस बंदे के भी बयान है जो ये कह रहे हैं ना, ये मारा था पीटा था, और वहाँ पर भी गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा था कसाना वालों ने, क्योंकि जो एक खास कम्युनिटी वाले मुझे टारगेट कर रहे थे उस टाइम मैसेज पे, बदतमीजी किसी ने नहीं लिखी थी कि राकेश भाई तुम अमर डीजे के चमचे हो गए, तुम अमर डीजे को दिखा रहे हो, अमर डीजे को दिखा रहे हो, अमर डीजे को, तो मुझको ये लगा कि मैं कसाना पे पहुंचा, तो कसाना के किसी बंदे ने ये हरकत की। वो कसाना का बंदा नहीं था, वो दूसरी पार्टी का बंदा था, दूसरे डीजे पर था, तो ये मेरी गलतफहमी हो गई थी। ठीक है ना, वहाँ पर जिसका मुझे गुस्सा भी आया था कि एकदम से, और मैंने वहाँ पर भी बता दिया था कि भैया अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे मैं ना बिरादरीवाद फैलाता हूँ ना मैं किसी, मैं सबके बराबर हूँ, वहाँ पर भी मैंने बोल दिया जो कह रहे ना कि कावड़ में पिट गया था, तो पिटा नहीं था, एक ने हरकत करी थी और उसने अगले दिन गलती मान ली थी। यार तो कुछ तो सोचो, किसी को गलत कहने से पहले कुछ तो सोचो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना मेरे साथ ना किसी और के साथ। सच्चाई जानो फिर बोलो उसके सामने, पहले सच्चाई जानो अच्छे से। तो सच्चाई ये है जो मैंने बता दी कि मैं इधर की उधर नहीं करता हूँ, वीडियो बनाई वीडियो अपलोड कर दी तो उसमें इधर की उधर नहीं होती है, बाकी आपका फैसला है। आप अभी कमेंट करने चाहते हैं तो खूब करो, आपके कमेंट का स्वागत है, आप गाली दो उसका भी स्वागत है, आप प्यार मोहब्बत की बात करो उसका भी स्वागत है, मैं डिलीट कोई नहीं करूँगा कमेंट। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात में सच्चाई आप समझ गए हैं तो उसका भी आप कहना कि राकेश भाई हम लोग समझ गए जो आप कहना चाह रहे थे, ये कमेंट भी आपकी तरफ से आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। और हाँ, मुरादाबाद आ रहा हूँ ना, मुरादाबाद वालों आ रहा हूँ आप लोगों के पास, हो मेरे साथ हे मुरादाबाद वालों, आप लोगों के पास आ रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि राकेश भाई हम आपके साथ हैं या आपके साथ नहीं है, आप यहाँ मत आओ, जैसा आप कहेंगे वैसे करूँगा, आऊँगा जरूर फिर भी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय।